नलों की टोटियां चुराने वाले दो छात्र चोरों को आरपीएफ के जवानों ने गिरफ्तार किया है। आरपीएफ के जवानों ने दोनों आरोपियों से 74 नग टोटी सहित 14,760 रुपए का माल जब्त किया है। ट्रेनों में नलों की टोटियां चुराने वाले दो छात्र चोरों को आरपीएफ के जवानों ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अमोल महादेव पाटिल संतरा मार्केट के पास और अब्दुल जलील सैफी नगर मोमिनपुरा निवासी है। अमोल पाटिल मूलतः धामन गांव का रहने वाला है। दोनों आरोपियों से 74 नग टोटी सहित 14,760 रुपए का माल जब्त किया गया है। निशानदेही पर खरीदार भी पकड़ाया। आरपीएफ के अनुसार वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे को जानकारी मिली कि ट्रेनों से नलों की टोटियां चोरी हो रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर निरीक्षक आरपीएफ नागपुर आरएल मीना और एनपी सिंह के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से एक टीम गठित की गई। टीम ने स्टेशन परिसर से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम अमोल महादेव पाटिल बताया। उसने बताया कि ट्रेनों में नल की टोटियां चुराता है और वह हामिद ड्रम वाले सैफी नगर मोमिनपुरा की दुकान में बेचता है। पुलिस ने हामिद ड्रम वाले की दुकान पर छापा मारकर 74 नग नल की टोटियां जब्त की। आरपीएफ ने टोटियां खरीदने वाले अब्दुल जलील को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की न्यायालय से आरपीएफ कस्टडी प्राप्त की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।